कॉमेडियन कपिल शर्मा को अब सभी जानते हैं। बीती दिनों ही कपिल का बर्थडे यानी उनका खास दिन था। बता दें कि कपिल ने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल झेला है और काफी मेहनत के बाद आज वह टॉप कॉमेडियन हैं। एक वक्त ऐसा था जब कपिल के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने काम पर फोकस किया। दरअसल कपिल ने खुद बताया था कि एक वक्त ऐसा था जब वह खुद काफी दुखी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सभी को हंसाया। कपिल ने जूम को एक दिए इंटरव्यू में बताया कि कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जिस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको उनसे लड़ना होता है, लेकिन कभी कभी आपका दिमाग फंस जाता है। एक बार मैं कॉमेडी नाइट्स की शूटिंग कर रहा था, रात की शूटिंग थी और मेरे एक दोस्त का कॉल आया कि मेरे एक दूसरे दोस्त का निधन हो गया है। उस वक्त मैं काफी इमोशनल हो गया था, टूट गया था और मुझे लगा कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। कपिल ने आगे बताया था कि फिर मैं बैक स्टेज गया, 5 मिनट का ब्रेक लिया और अपने दोस्त को भी गाली दी जिसने मुझे कॉल किया। मैंने कहा कि तुमने मुझे अभी कॉल क्यों किया, जो होना था वो हो गया, तो आपका दिल टूटता है, लेकिन आपको फिर काम पर भी फोकस करना होता है। चाहे कॉमेडी नाइट्स हो या कपिल शर्मा शो, स्टेज पर एक अलग जादू होता है जो आपका सारा दुख भुला देता है। आप अच्छे इंटेंशन से स्टेज पर जाते हैं, सबको हंसाते हैं, इसीलिए आपके अंदर एक पावर आती है जो आपको शांत करता है। कपिल शर्मा अपने शो द कपिल शर्मा शो के अलावा नेटफ्लिक्स के शो आई एम नॉट डन येट में आए। इस शो के जरिए कपिल ने स्टैंड अप कॉमेडी की। कपिल के इस शो को भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला। इस शो के दौरान कपिल ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई खुलासे किए। अब OTT में धमाका करने के बाद कपिल फिल्म में नजर आने वाले हैं। कपिल ने खुद कुछ दिनों पहले अनाउंसमेंट की थी कि वह नंदिता दास के साथ फिल्म में काम करने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में कपिल डिलीवरी बॉय का किरदार निभाएंगे।